तो एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करते हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है और आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन जाएंगे। आरडी शर्मा में ऐसा होगा कि एक पैटर्न पे चार या पांच क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और वो लंबे लेक्चर हुआ करेंगे। और एनसीईआरटी में जिस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसी तरीके से सॉल्यूशन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है 3 by 4 ऑर्डर का। कितने? 3 by 4 ऑर्डर का, ठीक है। 3 आपके पास में रो है और 4 आपके पास कॉलम है। तो देखिए क्या फाइंड आउट आपको करना है। 3, 4 जो 12 एलिमेंट जोड़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 12 आ जाएंगे। फाइंड हमें करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको निकालना है मैट्रिक्स का ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स आपको लिखना है A13, A21, A33, A24, A23, ठीक है। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, तो करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ तो शो नहीं करना चाहिए हमें, तो हम यहां लिख देते हैं ऑर्डर है 3 by 4 का, ठीक है। लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 by 4। एलिमेंट लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 12, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। राइट द एलिमेंट, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं, आपको एलिमेंट लिखना है A13। तो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होनी चाहिए, तो यहां हमें मिला A13 इक्वल टू 19, ठीक है। उसके बाद में A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए, तो ये मिलेगा हमें A21 इक्वल टू 35, ठीक। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा A33 इक्वल टू -5। A24 सेकेंड रो फोर कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फोर कॉलम, ये मिलेगा हमें A24 इक्वल टू 12। और A23 इक्वल टू, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये मिलेंगे हमें 5 by 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो गया, ठीक है, कॉपी कीजिए। तो एक क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 2 का है। क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, यदि किसी मैट्रिक्स का 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकती है, ठीक है। इट कैन हैव, कहने का मतलब यह है कि किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास में 8 एलिमेंट गिवन है, तो उसमें कितनी ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 8 का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2, और कुछ पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। किसी भी मैट्रिक्स का आपके पास में 24 एलिमेंट है, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकती है। What if it has 13 element? और 13 element का क्या होगा?
ठीक है, तो एग्जाम्पल जिस तरीके से मैंने करवाया था बिल्कुल वैसे ही होगा, सिर्फ इसकी ऑर्डर आपको बतानी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 24 का हमें ऑर्डर चेक करना है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 1 इंटू 24 हो सकता है, 24 इंटू 1 हो सकता है, और 2 इंटू 12 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में 3 इंटू 8 हो सकता है, और 8 इंटू 3 होगा, ठीक है, 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, और कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ हो सकता है इसमें, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर इसके कितने होंगे, 8 होंगे, इसके पॉसिबल ऑर्डर 8 होंगे, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। अब 13 का देखते हैं, तो 13 का क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 2, ठीक है। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन 3 है बिल्कुल वैसे ही है, और यहां पे जो एलिमेंट है बस वो चेंज है। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, किसी भी मैट्रिक्स का 18 एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स का हमारे पास में है वो 5 एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 18 एलिमेंट का, तो 18 का क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 18 होगा, ठीक है, 18 इंटू 1 होगा, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, उसके बाद में 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3, और कुछ हो सकता है, 1 18 18 1 2 9, ठीक है, ठीक, और नहीं हो सकते, ठीक है। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 इसके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। 5 का देखते हैं, तो 5 का चेक करेंगे, 5 का क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 5 हो सकता है और 5 इंटू 1 हो सकता है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। एक टॉपिक हमारा और छूटा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और हमें देखनी है, उसके बाद में एक्सरसाइज 3.1 सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसे लगाने में हमें कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली, और इसकी यूज बहुत है, ठीक है। तो देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या बोल रहा है, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, दो मैट्रिक्स तब बराबर होगा यदि दे आर सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर का होगा, यानी जो एलिमेंट सॉरी मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी, अगर दो मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर होंगे, यहीं पे एक कंडीशन पे नहीं चलेंगे, सेकंड कंडीशन और है, इच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, जो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग के इक्वल होना चाहिए, यानी आमने सामने के जो मैट्रिक्स होंगे बी के एलिमेंट वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्वल मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा इक्वल मैट्रिक्स है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो मैट्रिक्स ए हमारे पास में गिवन है 2x2 ऑर्डर का है,
और जो बी है वो भी 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो देखिए जो मैट्रिक्स ए है वो है आपका 2/2 ऑर्डर का, मैट्रिक्स बी है वो भी है 2/2 ऑर्डर का, फर्स्ट कंडीशन मैच कर गया आपका, ठीक है। उसके बाद में मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए 2 के इक्वल है, ठीक है, 3 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो जो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। अब देखो अगर सपोज दैट ए मैट्रिक्स में लेता हूं इसी को 2 3 0 1, ठीक है, और बी के एलिमेंट को मैं चेंज कर दूंगा यहां से 3 2 1 0। अब मुझे ये बताइए क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ऑर्डर तो चलो सेम है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। क्राइटेरिया जो है, कंडीशन जो है, वो दोनों फुलफिल होनी चाहिए। अब देखिए ऑर्डर तो सेम है, चलो 2/2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 ऑर्डर्स का है, पहली कंडीशन फुलफिल। नाउ सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो मैट्रिक्स ए के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स बी के करस्पोंडिंग एलिमेंट्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स बी के करस्पोंडिंग्स के एलिमेंट्स के बराबर होनी चाहिए तो ही वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो चेक करते हैं क्या है, 2 है नहीं है, ठीक है, 3 है नहीं है, 0 एलिमेंट है नहीं है, 1 एलिमेंट है नहीं है। अब देखिए क्या इसमें इफेक्ट पड़ा, 2 एलिमेंट जो है वो है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और जो 3 एलिमेंट है वो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, ठीक, ये एक ही है, इसको भी लिख दूं, 0 जो आपका है वो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और जो 1 एलिमेंट है वो है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसके एलिमेंट भी लिख देते हैं 3, ये 2 सही से लिख लो, और यहाँ पे 0 है, अच्छा यहाँ पे 1 है। ये तो ए मैट्रिक्स का हुआ, अब इसको देखते हैं बी का देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 है, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में 0 है। देखिए बराबर है नहीं है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। कॉपी करनी है तो कॉपी कर लीजिए।